Morning students, today we are continuing our genetics part 2, that is dihybrid cross. तो बच्चों कल हमने monohybrid cross के बारे में पढ़ा था. monohybrid cross जो होता है वो हमने एक character को मटर के पेड़ को जब हमने cross करवाया था तो उसका एक character हमने consider करा था और उसके बाद हमने उसका cross कराया तो हमें वहां पर 3:1 हमें F2 generation में मिला. ठीक है, तो अब हम बिल्कुल वैसा ही एक क्रॉस करवाएंगे लेकिन इसके अंदर हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेंगे और दोनों के दोनों हमारे, एक हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा प्योर डोमिनेंट और दूसरा हमारा प्योर रिसेसिव कैरेक्टर होगा. अब एक ध्यान से देखो, इट इज ए क्रॉस विच इन्वॉल्व्स एन इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट द सेम टाइम. एक ही टाइम में दो कैरेक्टर लेने हैं. अब इसमें हमने प्योर डोमिनेंट टू कैरेक्टर लिए, वो क्या था, आर क्या है हमारा राउंड और वाई वाई क्या है येलो सीड. ठीक है ना, और इसका जो राउंड का जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो है क्या होता है रिंकल्ड, तो ये क्या हो जाएगा रिंकल्ड और ये क्या होगा दूसरा वाई जो स्मॉल वाई है ये हमारा ग्रीन कलर का है रिंकल एंड ग्रीन सीड. तो जाहिर सी बात है जब हम इसमें गैमेट बनेंगे तो इसमें हमारे कितने गैमेट बनेंगे, चार गैमेट बनेंगे इसके अंदर. एक बनेगा आर कैपिटल वाई, ठीक है ना, एक बनेगा आर स्मॉल इसमें आर कैपिटल वाई ये इसके साथ बनेगा पहले और फिर ये इसके साथ बनेगा, फिर ये इसके साथ बनेगा और फिर ये इसके साथ बनेगा. तो आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, ऐसे इसमें भी चार हमारे वो बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है ना, जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये ही बनेगा. दोनों को मिक्स कर, इसका जब इसमें मिक्स करेंगे इसमें किसी मिक्स करो तो हमारे पास बनेगा आर स्मॉल वाई और आर मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है ना, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो इसका कलर क्या होगा, क्योंकि आर का ही कलर शो होगा तो वो आर क्या चीज है राउंड और कैपिटल वाई क्या है येलो. तो ये F1 जनरेशन हो गई हमारी. तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या मिला, राउंड येलो सीड सारे के सारे. अब हम देखते हैं हम F2 जनरेशन के लिए इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे. यहां पर तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो हमें राउंड एंड येलो सीड मिल गए. अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पर क्या होता है. तो हमारा अब आ गया था आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो हम आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना, इसकी गैमेट बनेंगे चार. तो क्या बनेगा पहला गैमेट इसका, ये इसके साथ और ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, ठीक है ना. तो क्या क्या बनेगा देखो, R कैपिटल Y, फिर इस कैपिटल R के दो हैं तो यहां पर स्मॉल स्मॉल Y, स्मॉल R का कैपिटल Y और स्मॉल R का स्मॉल Y, चार बन गए. तो यही चार इसमें भी बनेंगे, R कैपिटल Y, R स्मॉल Y, स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब हमें इसको रैंडम फर्टिलाइजेशन करना है और इसका मेथड हमारा पनेट स्क्वायर मेथड है. तो पनेट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, इसके अंदर चार कॉलम लेंगे, एक दो तीन चार, ऐसे इधर भी चार लेंगे, एक दो तीन और चार, ठीक है ना. अब देखो ये मेल गैमेट ऊपर रखो फीमेल गैमेट नीचे रखो, तो यहां पर आर y, r small y, r capital y, r y, ऐसे सेम यहां पर capital y, r small y, small r capital y, r y, ठीक है ना. अब इसकी इसकी क्रॉस करके यहां लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा r r y y, ठीक है ना. अब देखो यहां पर क्या आएगा, r r कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहां पर क्या आएगा आर आर और
कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर यहां पर आएगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आएगा देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका इसका, ठीक है ना, इसका इसका करेंगे तो आर आर वाई वाई, फिर यहां पर करेंगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां आर आर वाई वाई, ठीक है। अब यहां पर इसका इसका करो तो आर आर वाई और कैपिटल वाई, आर आर यहां कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर यहां आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहां पर आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई, और फिर यहां पर आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां आर आर वाई वाई, ठीक है। अब हमें यहां तक हमने देखी है, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन, अब इसमें हरे का कलर कौन कौन सा है अब हमें देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये आर आर है, जितने भी आर आर है ये कैपिटल आर वाले, या एक भी आर किसी के अंदर है तो वो होगा राउंड, ठीक है ना, वो सीड होगा हमारा राउंड, ठीक है ना। और जिसके अंदर एक भी कैपिटल वाई होगा, एक भी कैपिटल वाई होगा है, और दूसरा वाई चाहे कैसा भी, एक भी कैपिटल वाई है और एक भी कैपिटल आर है, तो वो राउंड और येलो होंगे सीड। अब हम देखते हैं कि राउंड एंड येलो कितने सीड हैं। अब देखो एक सीड ये राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये चारों राउंड एंड येलो है। अब देखो ये भी राउंड एंड येलो है, ये पांचवा हो गया है। अब ये इसका ये इसमें वाई कैपिटल नहीं है, ठीक है ना, ये छठा हो गया, ठीक है ना, यहां पर वाई कैपिटल नहीं है, यहां पर देखो ये वाई कैपिटल है, तो ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, और ये हमारा नौवां हो गया, ठीक है ना। तो नाइन हो गया, और हमारे देखो ये हमारा, ये हमारा देखो इसमें हमारा ये गलत हो गया था, ये हमारा आर आर स्मॉल आर वाला है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है ना, हमारा नाइन्थ वाला ये है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने हो गए राउंड एंड येलो के, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ हमारे राउंड एंड येलो के हो गए, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं ये वाला बचा। अब ये वाला देखो क्या होगा, यहां पर सीड क्या होगा, राउंड और स्मॉल वाई है तो ग्रीन, स्मॉल राउंड और ग्रीन हमारे पास एक कलर, तो ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ठीक है ना। अब ये बचा देखो, ये भी राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है ना, ये भी राउंड है और ग्रीन है, दो हो गए। अब देखो और कौन सा हो गया, ये देखो ये भी राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन के हमारे पास हो गए तीन, ठीक है ना, ये ऊपर वाला हो गया, ये पूरा भर गया है। अब देखो यहां पर, यहां पर देखो ये वाला, ये वाला, ये दो निशान लगा देता हूं मैं, ये क्या है राउंड की, ये राउंड नहीं है, ये रिंकल है, रिंकल्ड और येलो, ठीक है ना, रिंकल्ड एंड येलो का एक हो गया। अब ये भी रिंकल्ड है और येलो का, ये दो हो गया, ठीक है ना, और एक ये रिंकल्ड और येलो का, ये तीन हो गया, ये कितने हो गए थ्री, और एक हमारा बचा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो ये हमारा सिर्फ एक बचा, यानी हमारे पास क्या रेशो आ गई, नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन। तो ये हमारी रेशो जो होती है, ये हमारी डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशो आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास जो मेंडल ने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशो को निकाला, इसके बाद उसने एक नया लॉ बनाया, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
ठीक है ना। अब ये लॉ का क्या था है? कि हमने देखा कि यहां पर जो है इसमें राउंड येलो ग्रीन ये सब के सब जीन जो है वो अलग अलग है, हर जीन अपनी तरह से मिल रहा है, हर जीन का मिलने का तरीका अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि ये राउंड है और येलो है तो ये यही दोनों मिक्स होंगे, हर जीन अलग अपना अलग अलग मिलता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू गैमेट, हर ट्रेट जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जिसका डेफिनेशन का नाम है डिप्लॉइड सेल। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होते हैं उनमें उनका सेल डिप्लॉइड ही होता है, क्योंकि एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम उनके अंदर जो एक जीन जो है उसके अंदर मदर का आता है और एक जीन फादर का आता है, तो एक ही जीन दो फॉर्म में दो पेयर पे होता है। तो ऐसे डिप्लॉइड सेल को हम सेल्स हमारे कितने हो जाते हैं, दो तरह के, एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है हमारा हैप्लॉइड। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉइड के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड सेल में हमारे गैमेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक डिप्लॉइड सेल सबसे पहले गैमेट बनाता है, ठीक है ना, और गैमेट जो होते हैं वो वापस कंबाइन होके फिर डिप्लॉइड, एक मेल गैमेट बन गया, एक फीमेल गैमेट बन गया, और ये फिर वापस डिप्लॉइड होके दोबारा से ये हैप्लॉइड सेल दोबारा से मिलकर डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। तो हैप्लॉइड सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वैसे तो, ठीक है, और इनमें जो डिप्लॉइड सेल होते हैं इनमें मियोसिस भी होती है, जो मियोसिस डिवीजन जो होती है सेल डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस और होती है मियोसिस, ठीक है ना। माइटोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर इज सेम, और जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, ठीक है ना। तो मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है। तो मियोसिस में एक्चुअली जो होता है वो क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं जो एक मतलब मदर एंड फादर के, तो उस वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग होने से पहले वो क्रोमोसोम भी आपस में क्रॉस कर जाते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसमें, ठीक है ना। जब मियोसिस पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा इसमें एक स्टेज आती है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसके कारण जो मदर एंड फादर के होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी रैंडम पेयर बना के अपने में अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, जिसके कारण उन दोनों के भी जीन आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो इसीलिए मियोसिस जो है वहां पर वेरिएशन होते हैं। यानी देखो मियोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम दो है, ठीक है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दो, ठीक है ना। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये हमारे जब सेल डिवीजन के समय क्या करेंगे, ये आपस में क्रॉस ओवर कर जाएंगे ना, यानी इसका जो ये स्ट्रैंड है ये इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगा ऐसे करके, ये धागे धागे होते हैं और इसकी इस जगह जहां पर ये क्रॉस करते हैं ये एक दूसरे के टुकड़े को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी ये इसका टुकड़ा यहां पर चले जाएगा, उसका टुकड़ा यहां चले जाएगा, और ये अपना ये टुकड़ा लेके ऐसे करके चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनके जो स्ट्रैंड होते हैं जब क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम के स्ट्रैंड होते हैं ना उनमें ये टुकड़े बदल जाते हैं, जो टुकड़ा बदल गया तो इसका मतलब वो जीन दूसरे से एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह हर बार जब मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर स्टेज होने के कारण बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाते हैं,
तो हमारे अंदर 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। अब उन सारे जीन में से कौन सा जीन क्रॉसिंग ओवर से इधर उधर जा रहा है, फादर के अंदर भी मदर के अंदर भी जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो मदर के अंदर नाना नानी का है, फादर के अंदर दादा दादी का जीन है, तो वो सारे भी क्रॉस ओवर होते हैं, ये सारे भी क्रॉस ओवर होते हैं, तो इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते, और हर जीन किसी ना किसी के पास पहुंच जाता है। तो ये इस तरह जो है हम, और कुछ जीन रिसेसिव होते हैं, कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन अपने आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ जीन नहीं कर पाते, तो वो लेकिन जीन सब जगह रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिससे हम हमारे वेरिएशन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, इसमें 26 पेयर हैं, ठीक है ना, 46 इसमें हमारे 23 पेयर हैं, सॉरी हैं। अब 23 में से 22 तो ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर इसका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के पास, ठीक है ना। तो अब जब गैमेट बनेंगे इसके, तो इसमें 23 पेयर वाले गैमेट बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मेल में जो हमारा जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल के अंदर होता है, उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, और जो मेल होते हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है X और Y, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, मतलब ये बाकी सारे ऑटोसोम से तो हमारे चेहरे वगैरह सब बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन जो लड़का या लड़की ये कैसे बनते हैं, तो इसको बनने के लिए हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब सेक्स क्रोमोसोम में अब इसका भी हम वही क्रॉसिंग ओवर करते हैं जो मेंडल ने करी थी। इसमें जब गैमेट बनेंगे तो एक एक्स यहां चला जाएगा, एक एक्स यहां चला जाएगा, इसमें एक एक्स यहां चला गया, एक वाई यहां चला गया, इसकी क्रॉसिंग ओवर हुई तो एक्स एक्स बना, इसकी यहां से क्रॉसिंग ओवर हुई तो एक्स वाई बना, इसकी यहां से क्रॉसिंग हुई तो एक्स एक्स बना, और इसकी यहां से क्रॉसिंग हुई तो एक्स वाई बना। तो हमने देखा दो तो एक्स एक्स बने और दो एक्स वाई बने, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लड़का हो या लड़की हो उन दोनों के चांसेस 50% होते हैं। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ लड़का ही रेस्पॉन्सिबल है कि लड़की होगी या लड़का होगी, लड़का बनेगा, क्योंकि लड़के के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है। यानी कि ये बात कहना कि लड़कियां ने बच्चे पैदा, जो लड़कियां पैदा कर रही हैं वो लड़के, मतलब वो कुछ उनमें कमी है, तो उनमें कोई कमी नहीं होती, कमी लड़कों के पास होगी कि उनका वाई क्रोमोसोम मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए लड़का नहीं होता। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओनली मेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉय और ए गर्ल। अब देखो बच्चों, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए बहुत सारे और भी कारण हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम ह्यूमन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी और चीजों के मैं बताता हूं मैं। जो एक रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, ठीक है ना, इनमें लड़का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, कुछ रेप्टाइल्स में, सारे रेप्टाइल्स में नहीं, ओवर इंक्यूबेशन टेम्परेचर डिपेंड करता है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या वो होता है, जो अंडे होते हैं ना उनके, उनको जब जैसे मुर्गी होती है वो अपने अंडे को सहती है, अपने उनको उसको गर्मी देती है, अगर वो उनको बुखार है या उनको उनकी बॉडी ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा उस अंडे के लिए, ठीक है ना। अगर अंडे का मतलब उस अंडे के ऊपर बैठने पे इंक्यूबेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इस वजह से भी सेक्स चेंज हो जाता है रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर। एक टर्टल है जिसका नाम है क्राइसीमा पिक्टा, तो इसका हाई, अगर इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर, और कम टेम्परेचर होगा तो मेल बनेगा। तो यानी टर्टल का एग्जाम्पल क्राइसीमा पिक्टा नाम है उस टर्टल का, जिसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर बढ़ाने से लड़की बन जाएगी और घटाने से लड़का बन जाएगा। एक लिजर्ड होती है जिसका नाम है अगमा अगमा, छिपकली अगमा अगमा,
तो इसमें हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर में मेल डेवलप होता है और लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर में फीमेल डेवलप होती है। तो ये भी ये बिल्कुल इसका अगमागमा का टर्टल का जो क्राइसमा पिक्टा उसका बिल्कुल उल्टा होता है इसमें, ठीक है ना। और स्नेल होते हैं वो उनके जो सेक्स है वो जेनेटिकली नहीं डिटरमाइंड होते हैं, वो उनके लिए जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है स्नेल्स के लिए खाली, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास एक जो इसका मेन चीज है वो है ब्लड ग्रुप्स के लिए, ठीक है ना। अब जैसे ब्लड ग्रुप्स भी हम जेनेटिक्स का इस्तेमाल ब्लड ग्रुप्स को फाइंड आउट करने में भी करते हैं, तो ब्लड ग्रुप के लिए भी हम इसी तरह का क्रॉस बनाएंगे। तो ह्यूमन ब्लड में तीन तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ओ। अब ये दोनों ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है और ये ब्लड ग्रुप रिसेसिव है, ठीक है ना। ये दोनों डोमिनेंट है और ये दोनों ये रिसेसिव है। अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव यानी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अगर किसी के पास जैसे ए ब्लड ग्रुप है मतलब मेल मतलब ए अगर हमारा गैमेट जो है उसमें ए ब्लड ग्रुप है और इसका हम जो हम इसमें रिसेसिव ओ से इसका क्रॉस करा देते हैं, अगर हम ए वाले ब्लड ग्रुप को ओ से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना ये इनको ऐसे लिखते हैं आई ए आई बी और आई ओ, ठीक है ना। अब हमने आई ए आई ए ये प्योर वाला हो गया और आई ए और आई ओ ये दोनों के दोनों ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, ऐसे बी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आई ए आई बी आई बी और आई बी आई ओ ये दोनों ब्लड ग्रुप बी है। अगर आई ए आई बी दोनों ब्लड ग्रुप हैं किसी के पास तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर किसी के पास रिसेसिव आई ओ और आई ओ है तो ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हो गए, एक दो तीन और चार, हमारे पास कैरेक्टर तीन है लेकिन ब्लड ग्रुप चार है क्योंकि दो ब्लड ग्रुप हमारे डोमिनेंट है और एक हमारा रिसेसिव है, ठीक है। अब हम इनका क्रॉस बनाते हैं, ठीक है क्रॉस बनाते हैं हम इसका और देखते हैं क्या होता है। अगर एक मैन का आई ए है और इसका हमने आई ओ से क्रॉस करा तो क्या हो जाएगा, आई ए और आई ए यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा आई ओ और आई ओ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा आई ए आई ओ और यहां पर क्या बनेगा आई ए आई ओ और यहां पर क्या बनेगा आई ए आई ओ और यहां क्या बनेगा आई ए आई ओ। तो यानी कि ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो ये भी सेम वैसे ही उसी तरह बन रहा है ना, ठीक है ना। अब ये जो है मिक्स वाला हो गया, अब ये किसी से किसी और से मतलब करेगा एफ टू जनरेशन अगर हम इसकी बनाते हैं आई ए आई ओ की अगर हमने क्रॉस करवाई आई बी और आई ओ से, इससे अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो आई ए आई ओ यहां बनेगा आई बी और ये बनेगा आई ओ, तो इससे कौन कौन से ग्रुप बने देखो आई ए आई बी यानी ये ए बी ब्लड ग्रुप बन गया, ठीक है ना। अब यहां से इसका यहां से हो गया फर्टिलाइजेशन आई ए और आई ओ तो ये ए ब्लड ग्रुप बन गया, फिर यहां पर देखो आई बी आई ओ ये बी ब्लड ग्रुप बन गया और ये आई ओ आई ओ ये ओ ब्लड ग्रुप बन गया। यानी कि इस केस में जो बच्चे हैं
उनका एबी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी भी एबी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे को सारे ब्लड ग्रुप हमें मिल जाएंगे, तो ये भी एक चीज है। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप सबको खून दे सकता है? वो है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और कौन सा ब्लड ग्रुप सबका खून ले सकता है? वो है ए बी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इस तरह ये जेनेटिक्स वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। थैंक यू।